नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयुष अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीएक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड सिल्वर में, बुलियंस में ट्रेडिंग करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट का आपको कौन सा चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट के जो प्राइसेस हैं गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस वो वर्ल्ड मार्केट से ही डिराइव होते हैं। बाहर की मार्केट में जो जैसा प्राइसेस चल रहा है गोल्ड का, वैसे ही प्राइसेस यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है मॉर्निंग, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट तो उन कमोडिटीज का कर ही रहे हैं। तो इस पर डिस्कशन करेंगे और कौन सा चार्ट देखना चाहिए, किस वेबसाइट पे देखना चाहिए, वहां की मूवमेंट से आप यहाँ की मूवमेंट कैसे कैप्चर कर सकते हो, काफी सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। दोस्तों, कमोडिटी स्टॉक मार्केट से कहीं गुना बड़ा मार्केट है और इससे भी बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, जिसमें करेंसीज में ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर आप एमसीएक्स गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल मार्केट का स्पॉट का चार्ट देखना चाहिए। मंडी में क्या भाव चल रहा है गोल्ड का, स्पॉट गोल्ड। इट मींस आपको देखना है XAU USD, XAU USD का चार्ट देखना है और किस वेबसाइट पे देखना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अगर XAU USD, जिसे हम स्पॉट गोल्ड बोलते हैं, इसके प्राइसेस अगर ऊपर जा रहे हैं चार्ट्स पे, अगर आपको लग रहा है ये प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, आपने प्राइस एक्शन की स्टडी करी, टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी करी और फिर आपने देखा प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो एमसीएक्स गोल्ड के प्राइसेस भी ऊपर जा सकते हैं। अगर XAU USD के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, आपको लग रहा है लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो एमसीएक्स गोल्ड के प्राइसेस भी नीचे जा सकते हैं। तो गोल्ड के लिए आपको XAU USD के प्राइसेस देखने हैं। अगर ऐसे ही सिल्वर पे अगर बात करें, एमसीएक्स सिल्वर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो क्या प्राइसेस, आप तो कौन सा चार्ट आपको देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए स्पॉट सिल्वर जो डॉलर में चल रही है। इट मींस XAGUSD, XAGUSD का चार्ट आपको देखना है। XAG चांदी हो गई, डॉलर के साथ क्या भाव चल रहा है, XAU गोल्ड हो गया, डॉलर के साथ क्या भाव चल रहा है। तो XAGUSD अगर के प्राइसेस अगर ऊपर जा रहे हैं, आपको लग रहा है टेक्निकल बाय बता रहा है, प्राइस एक्शन बाय बता रहा है, तो आप एमसीएक्स सिल्वर में खरीदारी करके चल सकते हैं। एमसीएक्स सिल्वर के प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि चल तो वैसा रहे, अभी चार्ट पे चल के स्टडी करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी यहाँ पे हमें। ऐसे ही XAGUSD के प्राइसेस अगर नीचे जा रहे हैं, XAGUSD नीचे जा रहा है लगातार, तो MCX का भाव भी गिर सकता है। MCX चांदी का, वो चाहे सिल्वर हो, सिल्वर मिनी हो, सिल्वर माइक्रो हो, कोई सा भी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सिल्वर बड़ी सिल्वर ही गिरेगी। जो जितने भी सिल्वर के प्रोडक्ट चल रहे हैं, मिनी माइक्रो, ठीक है, ऐसे ही गोल्ड में गोल्ड मिनी भी गिरेगा। अगर XAUUSD नीचे जा रहा है, गोल्ड में मिनी भी गिरेगा, पेटल भी गिरेगा, गुड़िया भी गिरेगा, सब गिरेगा। एक बार चार्ट पे चल के देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हम आ गए हैं यहाँ पे चार्ट पे, ये चार्ट लगा हुआ है एमसीएक्स गोल्ड का दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट। 5 मिनट का चार्ट लगा के देखें, 5 मिनट के चार्ट पे क्या हो रहा है, 5 मिनट के चार्ट पे नीचे से थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली है, ये थोड़ा साइडवेज हो गया, ठीक है, नीचे से उठ के। अगर यही चार्ट आपको देखना है, ये साइडवेज हो रखा है, अभी किस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे तो आप टेक्निकल ऐसे लगा लोगे कुछ, जो भी आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आप ब्रेकआउट देख रहे हो। बट अगर आपको देखना है इंटरनेशनल मंडी में क्या हो रहा है, तो आपको आ जाना है इस investing.com की वेबसाइट पे या फिर tradingview.com पे। tradingview.com पे खोलेंगे तो भी यही सब इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको लिखना है XAU USD, ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो स्पॉट गोल्ड US डॉलर आएगा। इस पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, $1768, ठीक है। टेक्निकल चार्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड पे आने के बाद मैं 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसमें भी देखो मार्केट नीचे से उठा है, इस जगह से नीचे से उठा है, इस जगह से, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ तो हो सकता है ज्यादा क्लैरिटी आए यहाँ पे। ये एक बॉटम बना हुआ था, हैमर पैटर्न बन गया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज सा हो गया, ठीक है, थोड़ा साइडवेज हो गया। ऐसे ही कुछ मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, आप ध्यान से देखें, गोल्ड में नीचे से उठा है और उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया,
वहां पे तो हायर हाईज इसने कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया, ऊपर का लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी इसमें नहीं कर पाया, तो इसमें भी हो सकता है ये ऊपर चले ही जाए, यहाँ से ऊपर निकल जाए। कितना फर्स्ट क्लास बना हुआ है, और ये साइडवेज रहा, साइडवेज के बाद ऊपर गया, और फिर यहाँ पे ये साइडवेज हो गया, अब ऊपर जाने की फिर दोबारा कोशिश कर रहा है। ऐसा ही चार्ट आपको यहाँ पे गोल्ड पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चार्ट आपको स्टडी करना है ये वाला, ठीक है। तो ये 5 मिनट का लगा रखा था, और यहाँ पे भी हमने 5 मिनट का लगा रखा। अब जैसे ये गोल्ड नीचे जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वहां पे भी ये नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही सिल्वर है, अभी यहाँ पे सिल्वर का चार्ट मैंने 1 आवर का लगा रखा है। 1 आवर पे क्या हो रहा है, 1 आवर पे एक साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। नीचे से सिल्वर यहाँ से उठाए जगह से पर्टिकुलर लेवल से ऊपर तक गया, उसके बाद ये एक रेंज में घूम रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 61,338 रुपए के आसपास। यही अब सिल्वर देखनी है, सिल्वर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे लिखना है XAGUSD, और आपको एंटर कर देना। एंटर करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है XAGUSD, चार्ट ओपन हो गया $21.16। टेक्निकल चार्ट्स पे क्लिक करना है, फिर फुल स्क्रीन मोड पे आप क्लिक करोगे, ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हो तो वहां पे देख सकते हो। 1 आवर के चार्ट पे भी देखो कुछ ऐसे ही मूवमेंट है, नीचे यहां से ये उठा है, उठने के बाद ये ऊपर गया, और इसके बाद ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो वैसे ही पैटर्न बन रहा है कहीं ना कहीं। M6 सिल्वर पे भी, तो ये नीचे जाएगा तो M6 सिल्वर भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक सपोर्ट है, अब ये सपोर्ट मान लो ये ब्रेक करके और नीचे आने स्टार्ट कर देता है तो M6 सिल्वर भी गिर जाएगा। तो चार्ट की आपको स्टडी यही वाला चार्ट की करनी है, यही चार्ट की करनी है। देखो ये भी साइडवेज मूवमेंट आ रही है, तो टेक्निकल आपको अप्लाई करना है इस चार्ट पे। इस पे क्या हो रहा है, अभी देखो इस पे क्या हो रहा है, 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर के चार्ट पे एक साइडवेज मूवमेंट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, इसी लेवल के आसपास का सपोर्ट ले रहा है। ये एक सपोर्ट है, आपको पता लग गया $21 के आसपास। तो कहीं ना कहीं $21 के आसपास आता है, वहां बुलिश कैंडल बनाता है, प्राइस एक्शन देख के आप बाय कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप है M6 में, अगर वहां पे आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। डेली चार्ट्स पे देखें तो डेली चार्ट्स पे क्या हो रहा है, सिल्वर में, सिल्वर में एक मूवमेंट नीचे से उठा, हाई ब्रेक का या हायर हाइज बन रहा है, ये भी एक सपोर्ट की तरह ब्रेक करेगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, ये ब्रेक करके ऊपर निकला, अब इसी का सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक तरीके से अगर देखा जाए, एक अच्छा पैटर्न मुझे तो बनता नजर आ रहा है डेली चार्ट पे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न, थोड़ा सा बुलिश ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है चार्ट देख के मुझे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई, गोल्ड सिल्वर के लिए आपको चार्ट कौन सा देखना है। आने वाली वीडियो में भी आप कमेंट करके बताइए मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कमोडिटी में। और अगर अभी तक आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।